हेलो गाइस, वेलकम टू न्यूज़ अपडेट। प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना। गाइस, शहनाज रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रही हैं। जी हाँ, थोड़ी देर पहले भी मैंने एक वीडियो शेयर किया था और आपसे कहा था कि ज़रूर शहनाज सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन टाइम है, क्योंकि ना जो सेलिब्रेट करने का मतलब जो आप कहते हैं मुहूर्त है वो शाम के टाइम से शुरू हो रहा है। तो शहनाज ने लगभग आधे घंटे पहले ये पिक्चर्स पोस्ट किए हैं और तभी इन्होंने रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया होगा, अपने भाइयों को राखी बांधी है। देखिए कितनी खुश दिख रही हैं शहनाज गिल। अच्छा, इनकी एक बात हमेशा बहुत क्यूट लगती है, ये सिर पर पल्लू लेकर जैसे जो भी कोई पूजा के काम होते हैं ना वो हमेशा ऐसे ही करती हैं। और राजवीर के साथ जो इनका बॉन्ड है ना बहन भाई का, सच में बहुत प्योर है, बहुत क्यूट है और बहुत स्ट्रॉन्ग भी है। काफ़ी सारी पिक्स शहनाज ने शेयर की हैं और कुछ ऐसा भी किया कि देखकर सभी चौंक गए कि ऐसा भी हो सकता है, सेलिब्रिटीज़ इतने डाउन टू अर्थ होते हैं। सच में शहनाज को देखकर पता चलता है जो शहनाज ने किया है और दुनिया को भी दिखाया है। और सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, ये भी बात है, दूसरों को रेस्पेक्ट देना, कोई शहनाज से सीखे। और सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, वो सच में इस बात को मानेंगी और आगे तक निभाएंगी। जी हाँ, देखिए कौशल को हमने पिछले साल देखा, उन्होंने राखी बांधी थी, हो सकता है उससे पहले भी कभी बांधी हो, हमें नहीं पता हो। अब की बार भी कौशल के साथ उन्होंने इस ओकेज़न को सेलिब्रेट किया, पिक्स शेयर की। लेकिन आप देखिए शहनाज के ड्राइवर, वो हमेशा शहनाज के साथ रहते हैं, जहाँ भी कहीं जाते हैं शहनाज उनके साथ भी रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रही हैं, उन्हें राखी बांध रही हैं। आप बताइए आपने किस सेलिब्रिटी को ऐसे देखा है? सच में कोई भी अपने साथ काम करने वाले जो ये लोग हैं ना, बस कहते हैं फैमिली है, लेकिन इस तरह से इज्जत नहीं देता है कोई भी और ना ही रेस्पेक्ट करता है। और रही बात निभाने की, मतलब आप ये नहीं सोच पाएंगे कि ये लोग, मतलब काफ़ी सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि अपने घर के फंक्शंस और जो भी चीज़ें होती हैं ना वहाँ उन लोगों को इन्वाइट तक करना नहीं ज़रूरी समझते। अगर वो बाहर खड़े हैं तो बाहर ही रह जाते हैं, लेकिन हमने शहनाज को हमेशा देखा है वो अपने आसपास के लोगों को बहुत रेस्पेक्ट करती हैं और उन्हें प्यार भी देती हैं। अब मनोज के साथ आपने उनकी बर्थडे सेलिब्रेशन भी देखी होगी, कौन इस तरह से नीचे आके, वो शायद पार्किंग एरिया था जहां मनोज और उनके कुछ फ्रेंड्स या भाई गए, वो शहनाज का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते थे, उन लोगों ने केक कट किया अलग से, शहनाज ने उन्हें खिलाया अपने हाथ से। सच में शहनाज दिल से बहुत अच्छी हैं, इसी वजह से उनके आसपास के जो लोग हैं ना उनसे जुड़े हुए हैं वो उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत दिल से चाहते हैं, बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। और ये ना इंसान अपनी मेहनत से और अपनी ईमानदारी से कमाता है। आप सभी को एक बार फिर से रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएँ। और शहनाज ने सेलिब्रेट किया है, आप भी सेलिब्रेट किए जिसने नहीं कर पाए हैं जो अभी तक, और खुश रहिए। थैंक यू।